नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रेट अंशुल में। तो काफ़ी दिनों से व्यूअर्स मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि आप आटा चक्की के एलिवेटर या जो राइस मिल में एलिवेटर लगता है, जिसको बकेट कन्वेयर भी बोला जाता है दोस्तों, उसका वीडियो लेकर आए। दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगर जो आप दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ आप इस कन्वेयर को, अगर जो सेटिंग ख़राब हो गई है वो भी ठीक कर सकते हैं, और दोस्तों आप उसको ठीक तरीके से चला भी सकते हैं। दोस्तों बकेट कन्वेयर को बकेट कन्वेयर क्यों बोला जाता है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि इसको क्यों बोला जाता है। दोस्तों जो इसके ऊपर एक कन्वेयर के ऊपर बकेट्स लगी होती हैं, अब इसको देसी भाषा में समझाऊं तो जो एक पट्टा होता है, पट्टे के ऊपर एक एक फुट की दूरी पर दोस्तों कोलियाँ लगी होती हैं, जो तकरीबन 2.5 इंच लंबी होती हैं, 2.5 इंच चौड़ी होती हैं और 2.5 इंच ही गहराई होती है। दोस्तों ये कोलियाँ अलग अलग साइज़ की हो सकती हैं, जितने भी आपने माल ऊपर चढ़ाना है, जैसे कि चावल हो गया या गेहूं हो गई, जो दोस्तों हमने ऊपर चढ़ाना है, तो हम इसको बकेट कन्वेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर जो आपने मान लो हमने कनक को नीचे डाल दिया किसी ज़मीन पर, और अगर जो हमने उसको उठाना है तो हम कैसे उठाएंगे एक हाइट पर लेके आने के लिए, तो हाइट पर लेके जाने के लिए दोस्तों बकेट कन्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये पूरा समझाऊँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये कि ये बकेट कन्वेयर कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, इसमें से माल आ जाता है, जो भी हमारी कनक वगैरह है इसके अंदर माल आ जाता है, और इसके नीचे दोस्तों दो बेयरिंग लगे होते हैं, इसको यूसीबी बेयरिंग के ऊपर दोस्तों ये जो पुली है वो उसके ऊपर कन्वेयर घूम रही होती है। दोस्तों अब मैं आपको देखो खोल के दिखाऊंगा ये कैसे घूम रहा है। देखिए दोस्तों, ये कन्वेयर बकेट है जो कि माल को ऊपर लेके जा रही है, बेसिकली इसमें कनक है जो उसके ऊपर लेके जा रही है, और ये दोस्तों एक एक फुट की गहराई पे लगी होती है। दोस्तों मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसको रोक कर कि कैसे ये चलता है। ये देखिए दोस्तों, अगर जो आपने हाइट पे कोई भी चीज़ लेके जानी है, मान लो आपने कनक को लेके जाना है और ग्रेविटी से फ्री फॉल कराना है उसको, मतलब झरने के ऊपर डालना है, किसी भी चीज़ के ऊपर डालना है, तो आपको ये दोस्तों ज़रूरत लगेगी। ये देखिए दोस्तों, पुली के साथ ये घूम रही है कन्वेयर, उसके ऊपर पूरा घूम रहा है, ये अंदर से बंद होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पुली पूरी की पूरी घूम रही है, और पुली के ऊपर दोस्तों पट्टा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दोस्तों पट्टा, मैं आपको रोक के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो पट्टा है वो घूम रहा होता है साइड, जो बाहरली तरफ पट्टा घूम रहा होता है, अंदरली तरफ प्लेन होता है और बाहर की तरफ दोस्तों पट्टा घूम रहा होता है, और ये ऊपर एलिवेटर तक ले जाएगा दोस्तों, ये एलिवेट कर देता है चीज़ को, इसलिए एलिवेटर भी बोला जाता है देसी भाषा में कभी कभी। तो दोस्तों ये ऊपर तक हम इसको सामान को लेके जाने के लिए, मान लो आपने किसी कहीं पर आपने माल को 20 फुट की ऊंचाई पर करना है, तो दोस्तों ये कितनी भी ऊंचाई के ऊपर चल सकता है। दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों 1 HP की मोटर लगी होती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कहाँ पर ऊपर HP में मोटर लगी होती है। तो दोस्तों इसमें 4 बेयरिंग होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, और जो दोस्तों अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नट बोल्ट होते हैं, इससे दोस्तों पट्टे को कसा और ढीला किया जा सकता है कई बार। ये देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पट्टा है, उसके ऊपर दोस्तों कोलियां लगी हुई हैं, और ये कोलियां तकरीबन दोस्तों 2.5 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच डूंगी होती हैं दोस्तों, तो इसको बकेट बोला जाता है देसी भाषा में। और दोस्तों ये 1 फुट की दूराई पर तकरीबन लगती है, 10 से 11 इंच की या 12 इंच की लंबाई पर दोस्तों ये लगती है, तो आपने इस हिसाब से लगाना है। अगर जो जितनी भी आपने मान लो करनी है, मतलब कन्वेयर लगानी है, तो दोस्तों आप ये पहले देखिए कि आपने कितनी हाइट लेनी है, फिर उसके हिसाब से दोस्तों कोलियां डिज़ाइन कीजिए कि 1 फुट के आसपास कोली लगती है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये कोलियां हैं, और ये कोलियां बड़ी तरीके से अच्छी लोहे की कोलियां होती हैं, और ये आराम से मिल जाती हैं मार्केट में, हार्डवेयर की दुकान में। दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पुली है, और ये पुली 2 बेयरिंगों के ऊपर बैठी होती है। देखिए दोस्तों, एक साइड में बेयरिंग है UCP 208 नंबर तकरीबन डलता है, इसके अंदर 40 की शाफ्ट होती है दोस्तों, 40 की शाफ्ट के ऊपर ये कन्वेयर चलती है दोस्तों, पूरी कन्वेयर जिसको बोला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये साइडों में चलते हुए दिखाऊंगा कि दोनों कन्वेयर, ये दोस्तों जो नीचे लगा होता है इसको बोलते हैं, मतलब ये उसके लिए काम आता है खोलने के काम में, ढक्कन होता है ढक्कन, और ये देखिए दोस्तों दोनों की दोनों साइडों पे उसके साथ चलती है दोस्तों, ये UCP बेयरिंग है उसके साथ चलेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों नीचे वाला पार्ट है, मैं अब आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाऊंगा ये कि ऊपर वाले कैसे होता है, ऊपर वाला भी चलता हुआ दिखाऊंगा दोस्तों। ये थोड़ा
इसके ऊपर दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, एक एचपी की मोटर लगी हुई है और ये चल रहा है। इसके ऊपर दोस्तों आरपीएम जितनी कम होगी, तो दोस्तों 18 इंची का जैसे ये है, ये तकरीबन 18 इंची मतलब पुली लगी हुई है इसके ऊपर, तो इसकी स्लो स्पीड हो जाती है। तो एक एचपी की मोटर पर चलता है दोस्तों ये तकरीबन। देखिए दोस्तों मैं ये हाइट पर खड़ा हूँ और ये हाइट से हम इसको नीचे की तरफ सामान डाल सकते हैं, कोई भी जो हमने डालना है। तो हमने हाइट पर लेके जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोस्तों ये हाइट पर आ गए हम और ये कन्वेयर के ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर भी दोस्तों दो पुली लगी होती है, मतलब नीचे की तरफ जैसे पुली होती है, इसमें भी ऊपर की तरफ भी पुली होती है और पुली के साथ ही दोस्तों ये चलता है। पुली के साथ दो यूसीपी बेयरिंग है, मैं आपको यूसीपी बेयरिंग अब दिखाता हूँ कि ये जो आप पुली के पीछे आप देख सकते हो, ये यूसीपी बेयरिंग होता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों नीचे की तरफ ये माल धकेल देता है, आप जितनी भी हाइट पे लेके जाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर बेसिकली ये एक टापा सा होता है और इसके भी आप अगर जो खोल के आप कर सकते हो सफाई, सफाई जो सफाई करनी होती है, तो ये सफाई खोलने के बाद हम इसको नीचे गिर देते हैं माल को। तो दोस्तों ये ग्रेविटी से मतलब दूरकर्षण से अपने आप नीचे चला जाता है माल, जितनी भी हाइट पर आप ले जाओ तो ये आसानी से ये हमेशा काम करेगा। आपको कभी भी आपने करना हो तो इस तरीके से काम बहुत अच्छा करता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये पूरा घूम रहा है, मतलब ये घूमता रहेगा पूरी जैसे भी है। और ये यूसीपी बेयरिंग है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। यूसीपी बेयरिंग ये दोनों साइड लगा होता है इसी तरीके से दोस्तों, उधर भी लगा होता है, दोनों साइड बकेट के लगे होते हैं और ये एक तरह के फ्रेम में पूरा का पूरा बना होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगा फिर दोबारा से। ये देखिए दोस्तों ये गेहूं को ऊपर खींच रहा है पूरा, ये ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेगा। आपने मोटर की बेयरिंग भी देखनी पड़ेगी, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपने दोस्तों कभी भी देखना हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर जो आपने कोई भी ऊपर चीज़ लेके जाए, कनक, गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन, जो भी आपने ऊपर लेके जाना है दोस्तों, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और जितनी आपको कैपेसिटी चाहिए उसके हिसाब से भी दोस्तों ये डिज़ाइन होता है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी बकरी कन्वेयर की, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें आपको करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर जो आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके क्वेश्चन का पूरा अच्छे से जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।